वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड, डॉक्टर सोनी गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम देख रहे थे कि जिस प्रकार से हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था ऐसे प्रॉब्लम जो कि एडिशन बेस्ड थे, और लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया था किस प्रकार से हमने प्रॉब्लम डिविजन बेस्ड किए थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे प्रॉब्लम जो होते हैं वो हमारे पास कुछ कंडीशन के साथ दिए होते हैं। तो आज के लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 3 में, हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंडीशन। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिसके आप फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है मैथ्स बाय डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैथ्स फॉर यू 1 के अंदर आप जुड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आज का इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। साथ में आज हम जो कंडीशन पढ़ेंगे वो स्टेटमेंट बेस्ड ऑन कंडीशंस करेंगे, और उसके ऊपर कुछ सॉल्व प्रॉब्लम करेंगे, साथ में आपको कुछ प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी देंगे। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व की जाएगी। तो पहले हम इस मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो जो भी आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा वो हम यहाँ पर पी ऑफ एन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस पी एन को रिप्रेजेंट करने के बाद हम यहाँ पर उसे एन इक्वल टू 1 के लिए उसको वेरीफाई करेंगे। कुछ ये स्टेप नंबर 2 जो है, यानी कि एन इक्वल 2 के लिए आप चाहें तो इसको वेरीफाई करें या ना वेरीफाई करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन उसके बाद आप एज्यूम करेंगे कि हमारा स्टेटमेंट जो एन इक्वल टू के लिए 2 है, एजम्पशन रहेगा हमारे पास। और फाइनली हम प्रूव करेंगे एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। अगर हमने अपना स्टेटमेंट एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए अगर हमने वेरीफाई कर दिया तो हम कहेंगे वो एन के हर वैल्यू के लिए वो वेरीफाई होगा। तो पहले दो कंडीशंस हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, आज हम स्पेशली डिस्कस करेंगे कंडीशन नंबर 3, यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड ऑन कंडीशन। तो आइए देखें पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फैक्टोरियल एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू द पावर एन माइनस 1 व्हेन एन ग्रेटर देन एन। अब देखिए यहां पर हमें यहां पर एक कंडीशन दे दी गई है, इस कंडीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एज पर अवर अजम्पशन हमको जो भी प्रॉब्लम दिया उस पूरे को हम यहाँ पर पी ऑफ एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने माना कि पी ऑफ एन हमारे पास है फैक्टर एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू दी पावर एन माइनस 1। अब हम केस नंबर 1 लेंगे, यानी कि स्टेप नंबर 1 होगी एन इक्वल टू 1 के लिए। तो जैसे ही मैं इसके एन इक्वल टू 1 रखूंगा इसके एल एच एस में, यानी कि इधर रखूंगा, तो कितना मिलेगा मुझे, फैक्टोरियल 1 मिलेगा, जिसकी वैल्यू होगी 1। ओके, इसी के कारण मैं इसके राइट हैंड साइड पर अगर वैल्यू रखूंगा तो कितना मिलेगा, 2 की पावर 1 माइनस 1, यानी कि 2 की पावर 0, वो भी हमारे पास होगा 1। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल है। ओके, अब चूंकि हमारे पास कंडीशन एन इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई हो रही है तो हम कहेंगे कि हमारा स्टेटमेंट जो है एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अब हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि हमारा स्टेटमेंट जो है एन इक्वल टू के लिए ट्रू है। अगर एन इक्वल टू के लिए ट्रू है तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर वी हैव पी ऑफ के फैक्टर के ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू द पावर के माइनस 1। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, हम इसको एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए वेरीफाई करना चाहते हैं कि एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर मैंने पी ऑफ के प्लस 1 लिया तो पी ऑफ के प्लस 1 मेरे पास कितना हो गया, जहां पर मैंने रखा एन की जगह के प्लस 1। अब देखिए यहां पर अगर मैं फैक्टोरियल के प्लस 1 में से अगर के प्लस 1 को बाहर निकालूंगा तो ये कितने के बराबर होगा मेरे पास, जैसे के प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल के। अब फैक्टोरियल के की वैल्यू मेरे पास कितनी यहां पर है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू द पावर के माइनस 1। तो ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू द पावर के माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा ये जो k प्लस 1 है, क्या है? इस k प्लस 1 को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वैल्यू मेरे पास 2 से या 2 इससे बड़ा है, मेरे पास 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k प्लस 1, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर k इक्वल टू 1 रख दूंगा तो 2 आ जाएगा, तो उस कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं कि k प्लस 1 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अब अगर ऐसी कंडीशन मेरे सामने आती है तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, अब मेरे पास इस 2 k प्लस 1 की जगह मैंने ले लिया ओनली 2। ओके, अब 2 इंटू 2 की पावर के माइनस 1 कितने के बराबर होगा मेरे पास, 2 टू दी पावर के, यानी कि ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि फैक्टोरियल के प्लस 1 जो है मेरे पास 2 टू दी पावर के से ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है। तो फाइनली हम यहां पर ये कह सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट जो है एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, Prove that by mathematical induction 1 square plus 2 square up to n square is greater than n cube upon 3 for all n greater than equal to, sorry, n belongs to n।
तो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट लिया पी ऑफ एन, हमने पी ऑफ एन के इक्वल लिया। अब इसके हम एल एच एस की बात करें, तो एल एच एस में अगर हम एन इक्वल टू वन रखेंगे, इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म को एज्यूम करूंगा, तो एल एच एस क्या होगा, वन स्क्वायर इक्वल टू वन। आर एच आर एच एस की बात करेंगे, क्या होगा, वन का क्यू अपॉन ऑफ थ्री, तो आर एच एस हमारे पास होगा वन क्यू अपॉन ऑफ थ्री, वन अपॉन थ्री, और मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि वन जो है मेरा वन अपॉन थ्री से ग्रेटर है, तो ऐसी कंडीशन में क्लियरली वन इज ग्रेटर देन वन बाय थ्री। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा स्टेटमेंट जो है वो एन इक्वल टू वन के लिए प्रूफ होता है, यानी कि ट्रू है। वो एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा स्टेटमेंट जो है एन इक्वल टू के लिए ट्रू है। अगर एन इक्वल टू के लिए ट्रू है, इसका मतलब ये निकला कि वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर अप टू के स्क्वायर इज ग्रेटर देन के क्यू अपॉन ऑफ थ्री। इस प्रकार से अब इस कंडीशन को थोड़ा ध्यान रखेंगे, इस कंडीशन का हम आगे यूज करेंगे, क्योंकि अब हमें वेरीफाई करना है एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए। अगर हम एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए अगर वेरीफाई करते हैं, तो इसका हम एल एच एस अगर हम लिखे चलते हैं, यानी कि जिसमें हम केवल वन स्क्वायर टू स्क्वायर एन स्क्वायर वाले टर्म, तो वहां पर एन की जगह के हो जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म मेरे पास क्या होगी, के प्लस वन का होल स्क्वायर। तो इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास जो फर्स्ट टर्म जो हमारे पास फर्स्ट टर्म दिख रही है, तो इतने को हम यहाँ पर ब्रैकेट से शो कर देते हैं, इसका मतलब हो गया ये। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है मेरे पास ग्रेटर देन है मेरे पास के क्यू अपॉन ऑफ थ्री से, क्या है, के क्यू अपॉन ऑफ थ्री से ये ग्रेटर देन है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज के क्यू अपॉन थ्री प्लस के प्लस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इस वैल्यू को इक्वल लिखते हैं और यहाँ पर एलसीएम निकाल देते हैं, एलसीएम निकाले कितना आएगा, वन अपॉन थ्री के क्यू थ्री इन ब्रैकेट के प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए इस के प्लस वन के होल स्क्वायर को यदि मैं ओपन करूंगा, तो मुझे कितना मिलेगा, दिस इज के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन। ओके, तो अब हम यहाँ पर कहेंगे थ्री का मल्टीप्लाई कर देते, कितना मिलेगा, थ्री के स्क्वायर प्लस सिक्स के प्लस थ्री। अब हम करना क्या चाहते हैं, इस पूरी टर्म को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, दिस इज अ के प्लस वन टू द पावर थ्री के। ओके, अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस टर्म को हम कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं, दिस इज अ के क्यू प्लस थ्री के स्क्वायर प्लस वन प्लस थ्री के, है ना। तो इस टर्म का मैंने यूज कर लिया, इस टर्म का यूज कर लिया, सिक्स के में से मैंने थ्री के ले लिया, तो मेरे पास बचेगा थ्री के, और थ्री में से मैंने वन ले लिया तो बचेगा टू। तो मैं इस टर्म को इस प्रकार से ले सकता हूं। अब ये टर्म जो होगी ये मेरे पास लिख जाएगा दिस इज के प्लस वन का होल क्यू, कुछ इस प्रकार से। क्या मैं यहां पर एक कह सकता हूं कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन वन अपॉन थ्री के प्लस वन होल क्यू, क्योंकि ये वैल्यू में हमारे पास, ये वैल्यू जो है हमारे पास, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस वैल्यू इज लेस देन वन अपॉन थ्री के प्लस वन का होल क्यू, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ये वैल्यू मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो मैंने केवल के प्लस वन वाली वैल्यू को ही यहां पर कंसिडर किया। तो अब हमें क्या मिलेगा, वन अपॉन थ्री के प्लस वन का होल क्यू। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि हमारे पास जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास, ओवरऑल ये वैल्यू जो है हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू आ गई वन अपॉन थ्री के प्लस वन के होल क्यू पे। दैट मीन्स हमारा पी ऑफ के प्लस वन जो है वो ट्रू है, दैट मीन्स हमारा स्टेटमेंट जो है एन एन की हर वैल्यू के लिए भी ट्रू माना जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर आप आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, तो प्रीवियस लेक्चर नंबर वन और टू को जरूर देख लेना, जो आपको आई बटन में आपको मिल जाएंगे। आइए देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है, प्रूव दैट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन 2n plus 7 is less than n plus 3 whole square where n belongs to n। अब ये मेरे पास LHS हो गया और ये मेरे पास इसका RHS हो गया, है ना। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं, this is a P of n which is equal to 2n plus 7 is less than n plus 3 whole square। तो अगर मैं n equal to 1 के लिए इसका LHS दूंगा, तो यहाँ पर n की जगह मैंने 1 रखा, तो n की जगह 1 रखो कितना मिलेगा, 2 into 1 plus 7 यानी कि 9 मिलेगा, है ना। इसी प्रकार में इसके RHS में अगर मैं n की जगह 1 रखूँ कितना मिलेगा, 1 plus 3 का होल स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 3 होल स्क्वायर 4 स्क्वायर यानी कि 16 मिलेगा। और हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 9 जो है 16 से लेस, 9 इज लेस देन 16, तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई होता है। अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा स्टेटमेंट जो है n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। अगर हमारा स्टेटमेंट अगर n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि 2k प्लस 7 इज लेस, सॉरी 2k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास इस कंडीशन का मैं यहाँ पर यूज करूंगा। अब हम वेरीफाई करना चाहते हैं एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए वेरीफाई करना चाहते हैं, एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए वेरीफाई करना चाहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये टू एन प्लस सेवन के अंदर क्या लिखेंगे, दिस इज टू के प्लस वन प्लस सेवन, ऐसे करके लिखेंगे। अब ये वैल्यू मेरे पास कितने के इक्वल होगी, दिस इज टू के प्लस सेवन
प्लस टू के इक्वल होगी, है ना, इस तरह से वैल्यू इक्वल होगी। अब 2k प्लस 7 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, दिस इज अ लेस देन, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर दिस इज अ k प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करके लिख लेंगे, तो इस ब्रैकेट को ओपन करके लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 2, है ना। तो ये वैल्यू मेरे पास कितने को, दिस इज के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू मेरे पास है जो लेस देन होगी, दिस इज के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16k, लिख सकता हूँ ऐसा, ठीक है। और इस पूरे को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, दिस इज k प्लस 4 होल स्क्वायर, है ना, k प्लस 4 होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो वैल्यू वो है हमारे पास के प्लस 1 के लिए भी वेरीफाई हो रही है। तो इसको ओवरऑल अगर हम लिखेंगे इस प्रकार से लिखेंगे, पी ऑफ के प्लस 1 इक्वल टू के प्लस 1 प्लस 7, इसको हमने 2k प्लस 7 प्लस 2 लिख दिया। फिर हमने बोला कि 2k प्लस 7 जो है k प्लस 3 होल स्क्वायर से लेस है, तो हमने इस प्रकार से लिख दिया, k प्लस 3 के होल स्क्वायर को हमने यहाँ पर एक्सपांड किया तो हमें मिलेगा k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 2, यानी कि k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। और इस k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 को हम लिख सकते हैं, दिस इज अ लेस देन के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16k, और के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 जो है वो के प्लस 4 का होल स्क्वायर है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं क्योंकि के प्लस 1 के प्लस 4 के होल स्क्वायर से वो लेस है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि हमारा स्टेटमेंट जो है वो के प्लस 1 के लिए भी वेरीफाई होता है। दैट मीन्स द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ईच पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ है। तो ओवरऑल यहाँ पर हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको कैटेगरी बताई, जिसमें पहले मैंने आपको बताया कि एडिशन बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, सेकंड केस में आपको बताया कि हमारे पास प्रॉब्लम डिवीजन बेस्ड किस प्रकार से पूछे जाएंगे, और थर्ड केस में बताया किस प्रकार से क्वेश्चन आपको कंडीशन बेस्ड पूछे जाएंगे। अब इन क्वेश्चन की अगर आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ 3 क्वेश्चन और दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है आप लेक्चर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपने अभी तक मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में हमारा कुछ भी नहीं जाता है। इसके अलावा यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर इंस्टाग्राम लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ई नोट्स वगैरह की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे ब्लॉगर पर विजिट कर सकते हैं या मेरी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जो मेरे नाम से ही बनी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल डॉक्टर सुनील गुप्ता, गुड लक एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।